Hi, I am Vishali Bhardwaj. I am senior manager and I am forever. जो हमारा न्यू मार्केटिंग प्लान है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सबके लिए, मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए। क्यों? इससे क्या होगा कि हम ना अपना मतलब बिज़नेस जो है वो डेप्थ में इंक्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि हम साइड से भी इस बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम असिस्टेंट मैनेजर्स मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा बिज़नेस जो है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। और बिज़नेस एक्सपैंड करना, यहाँ पर हर एक पर्सन की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है जिसको हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है और अपनी खुद की आइडेंटिटी एक मतलब एक्सप्लोर करनी होती है ना, ताकि हम सामने आए खुद और हमारा खुद का एक बिज़नेस एम्पायर हो। और वो बिज़नेस एम्पायर अकेला इंसान तो नहीं बना सकता, उसके लिए आपको बिज़नेस को डेप्थ में करना पड़ता है एंड साइड से भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये जो आइडिया है कंपनी का, आई अप्रिशिएट दैट आइडिया, बिकॉज़ ये हर एक पर्सन को चांस देने वाला है कि वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो अपने हर साल मैनेजर रिटेट क्वालिफाई कर सकता है विद मोर एंड मोर डायरेक्ट पीपल एंड मोर डायरेक्ट पर्सन, सो दैट कि हर एक पर्सन को इस चीज़ से बेनिफिट हो सके। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो ये 1.5 साल के बाद इवेंट हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इवेंट था मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट MR और मैंने इस MR को क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत भी की एंड इस चीज़ के लिए बहुत ही मतलब ये अच्छी बात है कि हम इस ऑल इंडिया इवेंट पे जब हम आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। जैसे जसप्रीत सर को मिलने का मौका मिला, जैसे कि हम उनको इंस्टाग्राम पे देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उन बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। एंड नॉट ओनली जसप्रीत सर, मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया, उनसे भी हमें मिलने का मतलब बात करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला एंड उनसे कई लोगों से बहुत कुछ सीखा। बस मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो क्या कमी थी, वो ये थी कि इस MR पे मैं एक अकेली लड़की थी, सिंगल गर्ल जिसने ये चीज़ क्वालिफाई की थी। एंड मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे और लड़कियाँ इस इवेंट को क्वालिफाई करें बिकॉज इट इज़ वर्थ थी। जितना अच्छा एक्सपीरियंस हमें FLP इंडिया प्रोवाइड करती है, जितनी लग्जूरियस लाइफ हमें FLP इंडिया प्रोवाइड करती है, आई डोंट थिंक सो कि अगर हम बहुत बड़े प्रोफेशन में भी जाते हैं, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल अक्रॉस इंडिया जो कि बहुत ही बड़े बड़े लेवल्स पे काम कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना लग्जूरियस या इतना बड़ा लाइफस्टाइल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए तो ये वैसे ही बहुत अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म नहीं होगी एंड विद टाइम आने वाले टाइम में बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो वैसे ही वैनिश होने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें लाइफ में इतना बड़ा मौका दे रही है डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करने का, डिफरेंट कल्चर से, आई हैव नेवर बीन टू जयपुर एंड आज मुझे जयपुर देखने का मौका मिला, डिफरेंट लीडर्स से मिलने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था एंड मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लड़कियाँ इस इवेंट को क्वालिफाई करें सो दैट कि वो डिफरेंट वुमेन को मैसेज दे पाएँ कि लड़कियाँ जो है वो घर में बैठने के लिए नहीं हैं, वो अपने आप को उभारें, आप एक्सप्लोर करें और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जिए। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने पैरों पे इसलिए स्टैंड नहीं हो पाती है क्योंकि एक तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, एंड दूसरा उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। बट जितना ज़्यादा लड़कियां हमारे इंडिया में ग्रो कर सकती हैं शायद ही किसी और कंट्री में कर सकती होंगी, बट उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं खुद अपनी टीम में से बहुत सारी लड़कियों को लेके आऊँ एंड अगर इंडिया के लोग या इंडिया की लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो इस बात पे गौर करें और इस मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करें जो उनको दुनिया की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशंस पे जाने का मौका दे सकता है और अपने आप को एक स्टेबल बिजनेस वुमेन इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है।